दो दिन में नई गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बात कर रहा है जैसे जाने कितना पुराना रिश्ता हो। ये जरूर टू टाइमिंग कर रहा होगा। मतलब सुहाना और ये लड़की दोनों एक साथ? छी, जरा उस लड़की की शक्ल तो देखो। सुहाना की नेल पॉलिश भी ना उससे कहीं ज्यादा सुंदर लगती है। क्या फायदा गाइस? फैक्ट तो यही है ना कि सिर्फ मुझे छोड़ के उसके साथ बैठा हुआ है। सो तुम अब कभी उसके साथ हो ही नहीं सकती। उसने तुम्हें यूज किया है। हम तुम्हें सर अपनी इंसल्ट नहीं करने देंगे सुहाना। यू राइट सुली, उसने मुझे यूज किया। अब उसकी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने वो दूसरी लड़की की फीलिंग्स का फायदा उठा रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी का अभी उसके साथ जाके बात करूंगी। सोना, रुको, सोना मत। छोड़ना यार, उसको क्या भाव देना? Just forget him. या, बल्कि हमें तो ऐसी जगह बैठना भी नहीं चाहिए जहाँ सिर्फ जैसा इडियट बैठा हो। चलो यहाँ से चलते हैं। But I have to talk to him. मुझे से बात करनी पड़ेगी। चलो, please, please, no, no. कहाँ रह गया ईशान? आपसे कहा था ना आधे घंटे पहले कि 5 मिनट में पहुंच रहा। क्यों छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती हो राधा? 5 मिनट कहाँ था? पर इसका मतलब ये नहीं ना कि बराबर घड़ी देख के 5 मिनट में आ जाएगा। नाना जी, नानी जी, आप लोग क्यों इंतजार कर रहे हैं? मैं खाना लगाती हूँ। नहीं बेटा, आने दे ईशान को, मैं साथ में खा लेंगे। अरे रह कहाँ गया ईशान? ये आजकल के बच्चे भी ना, कसम से भूख लगी है बड़ी माँ। भाई को आने देना, साथ में खाना खाएंगे। माँ और पापा का भी वेट करना है या वो खा कर आएंगे? मौनी दादी के घर गए हैं, वहां से भला कोई खाया बगैर वापस आता है? इलेश, ईशान को फोन लगा, देख कहाँ तक पहुंच गया है, इतनी देर क्यों हो रही है, देख। अरे आ गया, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे कहाँ से गिरा? ऊपर से गिरा, तू ऊपर से गिरा? स्कूटर में जाता है, स्कूटर से गिरेगा, घोड़े से तो नहीं गिरेगा। ओह बाबूजी, ये कोई मजाक का वक्त है। ईशान कहाँ चोट लगी? पैर में लगी? नहीं नहीं बड़ी माँ, छोटी सी चोट है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। राधा बुआ, ठीक हूँ मैं। शुक्र है भगवान का कि ठीक है तू। आगे से तू स्कूटर से नहीं जाएगा, बस से जाएगा। पूरी बात बता। इधर बैठ, मुझे बता हुआ क्या? कहाँ कहाँ लगी पहले ये बता, पहले बेटा कहाँ कहाँ लगी? ऐसे हिलाओ उसको। क्या कर रहे हो? कैसे चेक कर रहा है? लूला थोड़ी हुआ। अरे दुख दिया ना, फिर सही कह रहा था वो, हिलाएगा नहीं तो जान नहीं हो जाएगा। गलती इसकी नहीं है, आप लोगों का कसूरवार मैं हूँ। मेरी गाड़ी ही अचानक ईशान की स्कूटर के सामने आ गई। और मतलब क्या है आपकी बात का? हाँ, आपकी गाड़ी सामने आ गई, इसका क्या मतलब है? गाड़ी चलाते वक्त आपको दिखता नहीं है या बड़ी गाड़ी में बैठने के बाद छोटी गाड़ियां दिखना बंद हो जाती हैं? राधा, हम इनसे पूछ तो ले कि हुआ क्या। गलती सिर्फ इनकी नहीं है, गलती मेरी भी है। वैसे कुछ इतनी ज्यादा चोट भी नहीं लगी है। और अगर ज्यादा चोट लगी होती तो क्या कर लेते आप? कैसे भरपाई करते उसकी चोट की? देखिए, मैं मानता हूं कि मेरी गलती है। आपको जो सजा देनी है मुझे मंजूर है। अरे नहीं भाई साहब, हम तो आपके शुक्रगुजार हैं कि आप ईशान को छोड़ने यहां पर आ गए। राधा, जा इनके लिए पानी लेकर आ, जा। भाई साहब, आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। दरअसल बहुत ज्यादा प्यार करती है वो ईशान से। आप आइए ना इधर। देखिए प्लीज, मुझे देर हो रही है, मैं नहीं, नहीं, आप आइए, आइए ना आप, प्लीज आइए, आइए आइए, प्लीज कम।
तुम लोगों को भूख लगी थी, चलो खाना खा लो। दिशा, रजनी, खाना लगा। चल जाओ। क्या कर रहा है? पी नहीं थे? नहीं बेटा, मैं बाद में पी लूंगा, मुझे नहीं। अरे सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल, सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल, छोड़ा बबुल कांगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल। तुम चली जाओगी तो शूट कैसे होगा? तुम्हें तो पता है ना, इन्हें कुछ भी सेंस नहीं है, ना मेकअप, ना लाइटिंग, ना कॉस्ट्यूम। नो जान, प्लीज स्टे। नो तुम तो जानती हो ना सुहाना, तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कहाँ? पोल्टनगंज। तुम इतने सक्सेसफुल मॉडल हो, तुम इतने घटिया सनग्लासेस पहन के शूट करोगे? सुहाना तुम जाओ यहाँ से। मुझे पता है कि तुम मुझसे अपसेट हो, बट यू नो आई लव यू। ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा है मिस्टर, अरे आपने नाम तो बताया ही नहीं। आई एम सो सॉरी जी, मेरा नाम कमल किशोर वाजपेयी। अच्छा, मेरा कार्ड के। अच्छा अच्छा जी, अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो प्लीज। वैसे आपकी जॉइंट फैमिली देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ऐसे ही रहना पसंद करते हैं, जॉइंट फैमिली में। अच्छा। ये ईशान मेरे देवर का बेटा है, ये इंदर मेरा बेटा। नमस्ते। नमस्ते। दरअसल जब आप आए तब हम ईशान को लेकर ही परेशान थे, वो आया क्यों नहीं, अब तक क्यों देर हुई? वो इसलिए क्योंकि मैं जिद कर रहा था कि हॉस्पिटल चलो, हॉस्पिटल चलो, लेकिन ये है जो मेरी बात मान ही नहीं रहा था। नहीं नहीं, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं थी, मामूली सी चोट। गुड न्यूज, गुड न्यूज, हमारे ईशान के लिए दो दो लड़कियों का रिश्ता आया है। अरे वाह। और तुझे पता है ईशान? माँ। हाँ? चोट? क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? मैं बताती हूँ रानू, इनसे मिलो। ये है मिस्टर वाजपेयी, ये ईशान की माँ, और ये मेरे देवर आलोक, ईशान के पिता। लेकिन ये इसको चोट हुआ ये कि वाजपेयी जी की गाड़ी से ईशान का स्कूटर टकरा गया। ज्यादा चोट नहीं लगी है ईशान को, बस हल्की फुल्की सी चोट है। ये खुद छोड़ने आए ईशान को यहाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के लड़के बाइक और स्कूटर ऐसे चलाते हैं जैसे हवाई जहाज। जी नहीं, दरअसल गलती मेरी ही थी, ईशान की गलती बिल्कुल नहीं थी। वैसे शुक्र है कि मामूली सी चोट है, एंड थैंक यू जी कि आप हमारे ईशान को घर तक छोड़ने आए। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आप जैसे प्यारे परिवार से मिलने का मौका खो देता। अच्छा मुझे चलना चाहिए, देर हो रही है। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? आपने कुछ खाया पिया है क्या? हाँ, लेकिन आप हमारे साथ डिनर करके ही जाएंगे, है ना? हाँ हाँ, रुकिए जी, जरूर, लेकिन मेरी बेटियां घर पर मेरा इंतजार कर रही है।
तब तो हम आपको नहीं रोकेंगे। हर आदमी को रात का खाना अपने परिवार के साथ ही खाना चाहिए, जैसे कि हम। यही तो वो वक्त होता है जब सारा परिवार साथ मिलकर एक दूसरे से शांति से बात कर सकता है। बिल्कुल, यही वक्त तो मिलता है हमको साथ मिलने का। चलिए जी, मैं निकलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। Let's get married. ये तुम क्या कह रही हो सुहाना? You love me ना? सुहाना, प्यार पॉसिबल पर शादी इम्पॉसिबल। You're just not marriage material. तुम जैसी खूबसूरत लड़की जब किसी लड़के की बाहों में बाहें डालकर घूमती है तो लोग जलते हैं, और उन्हें जलता देख मुझे थ्रिल आता है। तुम जैसी बिगड़ैल लड़की के साथ कोई पागल ही शादी करेगा। मेरी शादी किसी और के साथ हो जाएगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, हे बेब, रात का खाना अपने परिवार के साथ ही खाना चाहिए, जैसे कि हम। साहब जी, खाना लगा दूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो संजना कहाँ है, उसे बुलाओ, आज उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। वो तो जल्दी खाना खाकर सो गई, कल उनका मैच है ना। हाँ, बताया तो था उसने। सुहाना, वो तो पता है, अगर घर पर होती तो घर इतना शांत होता क्या। वैसे कहाँ गई है वो? जी मुझे तो नहीं बताया, शायद संजना दीदी को बताया होगा, मैं अभी पूछ कर। रहने दो, रहने दो, रहने दो, उसे मत जगाओ। तुम एक काम करो, तुम जाओ आज के लिए, गोपी मेरा ध्यान रखेगा। पर वो तो पता नहीं कब आएंगे फिर। तुम पता है मुझे, गोपी मेरा ख्याल रखेगा, तुम जाओ। ये लड़की फोन क्यों नहीं उठा रही? नहीं नहीं डैड, नहीं, मुझे अभी देखना है। नहीं नहीं नहीं, साइलेंस साइलेंस प्लीज, तुम्हारी छोटी बहन जाग जाएगी। सुहाना बेटे, कल कल देख लेना, संजू भी बहुत खुश होगी। नहीं डैड, नहीं माँ, मुझे अभी देखना है, मुझे अभी देखना है। देखने दीजिए ना, ये तो सारी रात नहीं सोएगी और हमें भी सोने नहीं देगी। नॉटी गर्ल, ऐसे सुला के आता हूँ। ओके, वेरी नॉटी। अब बता, हमारी सुहाना बेटी कौन सा गिफ्ट खोलेगी? वो बड़ा वाला। हमें पता था, सबसे खूबसूरत रैपिंग वाला। हेलो, अरे अरे अरे, आराम से। अरे वाह, मंकी, ये तो मेरे पास है। अच्छा, अरे अरे, फेंको तो नहीं। ये तो बहुत अच्छा है ना? तुम्हारी बेटी की नाक बहुत ऊंची है। हाँ, अगर इसका यही स्वभाव रहा तो बड़ी होकर इसकी फरमाइशें पूरी करना। बाप रे। क्या सुहाना बेटा, आपको कोई भी गिफ्ट पसंद नहीं आ रहा है? सारे गिफ्ट्स ऊपर से ही अच्छे हैं, अंदर से बहुत बहुत बेकार। बेटा, अक्सर ऐसा ही होता है, जो चीज बाहर से खूबसूरत दिखती है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतनी ही सुंदर हो।
को कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। लेकिन अभी आप बहुत छोटी हैं, जब आप बड़ी हो जाएंगी ना तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ओके अच्छा चलो, अब कौन सा गिफ्ट खोला जाए? ये वाला? अरे ये तो बाहर से ही खराब है, इसे मत खोलो। हो सकता है इसमें जो गिफ्ट हो वो बहुत खूबसूरत हो, खोल के देखें। ये तो बहुत अच्छा है। पता है ये गिफ्ट तुम्हें किसने दिया है? तुम्हारी मम्मी ने। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मम्मा। वो कहते हैं ना, कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। नहीं होती। लेकिन अभी आप बहुत छोटी हैं, छोटी हैं। जब आप बड़ी हो जाएंगी ना तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। बड़ी तो हो गई माँ, लेकिन आज तक समझ नहीं पाई। आज भी मैं हर चमकती चीज को सोना समझ लेती हूँ। गोपी। आया सर। सोना जा गई? जी सर। गुड मॉर्निंग डैड। डैड गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग, कैसी गुड मॉर्निंग? हमेशा अपनी मनमानी करती रहती हो, हमेशा। मैं जो हमेशा सोचता हूं कि बेचारी बच्ची है, रहने दो, पर अब नहीं। कल रात को तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? क्यों जवाब नहीं देना चाहती? ठीक है मत दो जवाब, मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है, जानता हूं मैं ये। एक बात कान खोलकर सुन लो, आज के बाद तुम कहीं बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारे रात के पार्टीज बंद, सब बंद। अब तुम्हारी मैं शादी करूंगा और जो लड़का मैं चुनूंगा तुम्हें उसी लड़के के साथ शादी करनी होगी, समझी तुम? उसी लड़के के साथ। ठीक है। क्या ठीक है? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, आई एम सीरियस। मैं तुम्हारा डैड हूं, तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं अच्छे बुरे के बारे में। और एक बात ध्यान से सुन लो, जो लड़का मैं सेलेक्ट करूंगा ना तुम्हें उसी के साथ शादी करनी होगी, मैं तुम्हारी एक भी नहीं मानूंगा। अब जैसा ठीक समझते हैं करिए। क्या तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? आपने सही सुना और वही मैंने कहा। तुमने वही कहा जो मैंने सुना? फिर से बोलो, मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं। अब जिसके साथ कहेंगे, जहां कहेंगे, मैं शादी कर लूंगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।